वेलकम टू फरीद अकेडमी, दिस इज़ माय टीचर मोहम्मद अब्दुल अजीम। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th 9th क्लास चैप्टर 6 सर्कल से हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड जो पेज नंबर 77 पर दी हुई है। इसमें हम कवर करेंगे एक्टिविटी 1 थ्योरम, देन एक्टिविटी 2 देन थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1। यहाँ पर क्या दी हुई है देखिए, अब यहाँ पर एवरी स्टूडेंट इन अ ग्रुप विल डू दिस एक्टिविटी। आपको जो भी आप ग्रुप बना लीजिए क्लास में और आपको ये एक्टिविटी करना है ग्रुप बना कर, सिक्स का ग्रुप होना चाहिए। ड्रॉ सर्कल इन योर नोटबुक, आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है नोटबुक में। ड्रॉ एनी कॉर्ड ऑफ दैट सर्कल, एनी कॉर्ड मीन्स आप कॉर्ड ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ करते हैं कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू कि कॉर्ड थोड़ा ड्रॉ करनी है। ऐसे ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही ड्रॉ करें। ड्रॉ एनी कॉर्ड ऑफ दैट सर्कल, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू दैट कॉर्ड, फिर वहाँ से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस तरह परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड थ्रू द सेंटर, सेंटर के थ्रू आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मेजर द लेंथ ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द कॉर्ड, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आपको टू पार्ट्स मिलेंगे, वो आपको मेजर करना है। ग्रुप लीडर विल प्रिपेयर अ टेबल एंड अनदर स्टूडेंट विल राइट देयर ऑब्जर्वेशन इन इट। तो आपको सिक्स का अपना ग्रुप बना लीजिए, उसमें एक ग्रुप लीडर रहेगा, सिक्स स्टूडेंट्स रहेंगे। ग्रुप लीडर आपका बोर्ड पर आपका टेबल बना लेगा, वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर, और सिक्स स्टूडेंट जिसने सर्कल ड्रॉ किया है उसमें कॉर्ड ड्रॉ किया है, फिर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर आपको मेजर करना है AP और PP। तो फिर वो लेंथ क्या रहा है आपको लिखना है। तो मैंने भी ये एक्टिविटी ड्रॉ की है, तो यहाँ पर देखिए, तो मैं यहाँ पर सिक्स सर्कल्स ड्रॉ किए अलग अलग रेडियस के और उसमें कॉर्ड ड्रॉ किए। तो आप ज़रूरी नहीं ऐसे ही कॉर्ड ड्रॉ करें, आपकी मर्ज़ी ही है कि आप कॉर्ड किस तरह ड्रॉ करना चाहते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। इस तरह भी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह भी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, तो डिपेंड्स अपॉन यू। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ की तो मुझे कौन कौन से वैल्यू मिली AP और PB की, 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर और ये 1.5 सेंटीमीटर। सेकंड सर्कल में कौन से मिले मेरे को, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, देन 2.2 सेंटीमीटर 2.2 सेंटीमीटर 2.2 सेंटीमीटर 2.2 सेंटीमीटर, देन कौन सी वाले 2.6 सेंटीमीटर 2.6 सेंटीमीटर 2.6 सेंटीमीटर 2.6 सेंटीमीटर, देन मुझे मिले हैं 2.9 सेंटीमीटर 2.9 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2.9 सेंटीमीटर 2.9 सेंटीमीटर। AP और PB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और 3.0 सेंटीमीटर 2.0 2.0। देखिए तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने पे हमको क्या पता चलता है कि AP और PB हम एक कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल पर। यहाँ पर देखिए, हम सर्कल पर एक कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ करने के बाद सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं उस कॉर्ड पर, तो एवरी टाइम वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू ऑफ AP एंड PB इन दैट सर्कल। तो हमको सेम वैल्यू मिल रही है AP और PB के उसी सर्कल में। तो इससे हम क्या प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेंटर ऑफ ए सर्कल से कॉर्ड पर ऑन इट्स कॉर्ड, बायसेक्ट द कॉर्ड, तो वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम कॉर्ड पर, वो बायसेक्ट कर रहा है किसको, कॉर्ड को। ये आपका थ्योरम है। तो हम थ्योरम का स्टेटमेंट मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने लिख लिया है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड, अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेंटर ऑफ ए सर्कल से कॉर्ड पर, बायसेक्ट द कॉर्ड, वो क्या करेगा आपका, वो कॉर्ड को बायसेक्ट करेगा।
तो गिवन मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले। गिवन क्या है आपका, देखिए कि सेगमेंट ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर, हैविंग सेंटर ओ। उसका सेंटर क्या है, ओ है। और आपको क्या गिवन है कि परपेंडिकुलर है ओ पी। सेगमेंट ओ पी क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है किस पर, कॉर्ड ए बी पर। कॉर्ड ए बी पर वो परपेंडिकुलर है। आपको अब देखिए प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ आपको प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने सेंटर से कॉर्ड पर, तो ये बाइसेक्ट करेगा, मीन्स सेगमेंट ए पी को इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी बी। सेगमेंट ए पी ये कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट बी पी के। ए पी को हम यहाँ पर और इसको इस तरह भी ले सकते हैं, और सेगमेंट पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी बी, इस तरह भी ले सकते हैं। ये हमको प्रूव करना है। अब नेक्स्ट आप हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ ओ ए एंड ओ बी। अभी हम क्यों करना है आगे पता चलेगा कि अगर हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी अगर हम कंस्ट्रक्ट में दो ट्रायंगल मिल जाते हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स मिल जाते हैं, तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो हम बाद में लिख सकते हैं कि ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। इसलिए हमने ये कंस्ट्रक्शन किया ओ ए और ओ बी का, ड्रॉ ओ ए एंड ओ बी। अब प्रूफ इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ओ पी बी, देखिए कॉमन क्या है, एंगल, देखिए एंगल आपका ओ पी ए एंगल, ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ पी बी। रीजन क्या लिखेंगे हम, सेगमेंट गिवन भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, या रीजन भी लिख, सेगमेंट ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड ए बी, गिवन भी लिख सकते हैं, और गिवन ये गिवन है हमको परपेंडिकुलर ड्रॉन, यहाँ पे तो गिवन है सेगमेंट ऑफ पेज परपेंडिकुलर ए बी, तो गिवन भी लिख सकते हैं। अब आप नेक्स्ट है आपका, आपको और क्या मिलेगा यहाँ से, ओ पी, ओ पी दोनों ट्रायंगल में ये साइड कॉमन है, तो सेगमेंट ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ पी। रीजन लिखेंगे आप, कॉमन साइड, कॉमन साइड। थर्ड आपको क्या मिलेगा, देखिए एक ही अब ये जो दो ट्रायंगल हैं दोनों को जो जो ओ ए और ए बी साइड है हाइपोटेन्यूसेस है ये दोनों ट्रायंगल के, दीज आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो हम क्या लिखेंगे, सेगमेंट ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ बी, और सेगमेंट ओ ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ। रीजन लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे हम, रेडियाई प्लूरल है रेडियस का, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडी ऑफ द सेम सर्कल। तो अभी यहाँ पे देखिए साइड हाइपोटेन्यूस टेस, साइड और हाइपोटेन्यूस टेस से राइट एंगल ट्राइंगल है, तो साइड हाइपोटेन्यूस टेस हम अप्लाई करेंगे तो हमको ये कॉन्ग्रुएंट मिल जाएगा। सो देयरफॉर ट्राइंगल ओ पी ए ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ पी बी के। रीजन लिखेंगे, हाइपोटेन्यूस साइड और साइड हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस साइड, थ्योरम और टेस्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर थ्योरम लिखा है, थ्योरम लिखता हूँ मैं, थ्योरम और टेस्ट, और शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे, एच एस टेस्ट, जैसे ए ए ए टेस्ट है और एस 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 टेस्ट है, उसी तरह ये एच एस टेस्ट है, साइड हाइपोटेन्यूस थ्योरम टेस्ट, थ्योरम और टेस्ट। सो देयरफॉर क्या मिलेगा, सेगमेंट, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी बी, इसलिए सेगमेंट ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट
बीपी, और यहाँ पे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और सेगमेंट नीचे लिख लेता हूँ मैं, सेगमेंट बुक में इस तरह लिखा है, सेगमेंट पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी बी। रीजन लिखेंगे हम, रीजन क्या लिखेंगे, अच्छे से मैं ब्रैकेट अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, सी एस सी टी। सी एस सी टी का फुल फॉर्म क्या आता है आपका, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, आपको यही प्रूफ करना था, इसलिए हेंस प्रूफ्ड, आपको यहाँ पर ये थ्योरम प्रूव हुआ। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है आपकी, एक्टिविटी नंबर टू, एवरी स्टूडेंट फ्रॉम द ग्रुप विल डू दिस एक्टिविटी, ड्रॉ अ सर्कल इन योर नोटबुक, ड्रॉ अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, कॉर्ड ड्रॉ करना है, ये कॉर्ड है, जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ सर्कल, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, मेजर द एंगल मेड बाय द सेगमेंट विद द कॉर्ड एंड डिस्कस अबाउट द मेजर ऑफ द एंगल विद योर फ्रेंड, विच प्रॉपर्टी डू द ऑब्जर्वेशन सजेस्ट। तो कौन सी प्रॉपर्टी सजेस्ट करता है कि आप यहाँ पर ही देख लेंगे तो कितना एंगल मिलेगा आपको, देखेंगे 90 डिग्री एंगल मिल रहा है, तो आपको 90 डिग्री एंगल मिल रहा है यहाँ पर, तो हम क्या प्रॉपर्टी सजेस्ट करेंगे, विच प्रॉपर्टी डू द ऑब्जर्वेशन सजेस्ट, कौन सी प्रॉपर्टी ऑब्जर्वेशन सजेस्ट कर रही है, तो हम थ्योरम के रूप में उसको, थ्योरम के स्टेटमेंट में हम वो देखेंगे। तो ये सजेस्ट कर रही है, ये ऑब्जर्वेशन ये सजेस्ट कर रहा है कि द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड्स इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, कि अगर हम मिड पॉइंट कॉर्ड के मिड पॉइंट को द सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो हमको परपेंडिकुलर एंगल मिलेगा, तो जो है वो कॉर्ड क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, जो मिड पॉइंट और सेंटर का जो सेगमेंट रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा किस पर, कॉर्ड पर। इसी थ्योरम को हम अब देखेंगे, मैं स्टेटमेंट पहले लिख लेता हूँ। तो एक्टिविटी सेकेंड ऑब्जर्व करने के बाद हमने ये स्टेटमेंट लिखा है कि द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, द पी मिड पॉइंट है, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ये परपेंडिकुलर ही हमको प्रूव करना है, ये मिड पॉइंट है, मीन्स ये दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है, तो स्टार्ट करते हैं हम गिवन से, दोनों इक्वल है, मीन्स ए पी इक्वल टू पी बी, क्योंकि पी मिड पॉइंट है ए बी, कॉर्ड ए बी का। गिवन क्या है आपको, गिवन है कि कॉर्ड ए बी, सेगमेंट ए बी इज अ कॉर्ड, सेगमेंट ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल having center O and P is the midpoint of the chord AB, P क्या है, midpoint है chord AB का, of the chord of the circle, पी क्या है, मिड पॉइंट है, इट डैट मीन्स क्या, इसकी मीनिंग क्या होता है, डैट मीन्स सेगमेंट ए पी ये कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट पी बी के, पी बी के ये गिवन है आपको। अब प्रूफ क्या करना है आपको, कि कॉर्ड इज परपेंडिकुलर मिड पॉइंट, द सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, तो मिड पॉइंट से जो सेंटर से मिड पॉइंट का सेगमेंट जॉइन कर रहे हैं कॉर्ड पर, मिड पॉइंट कॉर्ड के मिड पॉइंट से जो हम सेंटर को जॉइन कर रहे हैं, ये जो सेगमेंट है परपेंडिकुलर है कॉर्ड पर, तो इसको हम लिखेंगे कैसा, कि सेगमेंट वो पी ए परपेंडिकुलर है इस पर कॉर्ड
ए है बी बैक, मीन्स हमको ये 90 डिग्री है ये प्रूव करना है। तो अब देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि इस टेस्ट से शो करेंगे हम ट्रायंगल का सिमिलर टेस्ट, क्योंकि ट्रायंगल है एस 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 टेस्ट तो शो करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, जॉइन जॉइन अच्छा से लिख लेता हूँ मैं, और ड्रॉ करेंगे ड्रॉ सेगमेंट ओ ए एंड सेगमेंट ओ बी, ये हम ड्रॉ कर लेंगे। ओ बी ड्रॉ करेंगे हम, तो सेगमेंट ज्वाइन कर लिया हमने। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ अब हम प्रूफ करेंगे कि परपेंडिकुलर है। तो प्रूफ में इन ट्रायंगल, हमें भी दो ट्रायंगल मिल गए हमको, ओ पी ए ओ पी ए एंड ओ पी बी, इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ओ पी बी। देखिए ये साइड कॉमन है, ये सेट कॉमन है, और ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल आ जाएगा। तो उसे लिखेंगे वन बाय वन कि सेगमेंट सेगमेंट ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी पी, रीजन लिखेंगे गिवन, ये आपको गिवन है। उसके बाद सेगमेंट ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ पी, रीजन लिखेंगे हम सेम और कॉमन साइड, कॉमन लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, कॉमन साइड, कॉमन साइड हो गया। अब लास्ट सेगमेंट ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ बी, रीजन लिखेंगे हम रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अब हमको एस 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 टेस्ट से हमने ये प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ओ पी ए ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ पी बी के, रीजन लिखेंगे हम एस 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 टेस्ट, इसका फुल फॉर्म है साइड 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 टेस्ट, साइड 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 टेस्ट इसका फुल फॉर्म है। एस 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 टेस्ट यानी साइड साइड साइड, एच एस टेस्ट यानी हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। तो एच एस एस टेस्ट से हमको ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गए। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर जो हमको प्रूव करना है, प्रूव डायरेक्ट तो नहीं आएगा, अभी हम लिख लेंगे कि ये दोनों इक्वल है, सेगमेंट ए पी और एंगल, एंगल चाहिए हमको एंगल, क्योंकि हमको ये परपेंडिकुलर प्रूव करना था। एंगल ओ पी ए ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल ओ पी बी के, रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, फुल फॉर्म है corresponding angles of congruent triangles, CACT का फुल फॉर्म। तो अब हमको ये दोनों ट्राइंगल, दोनों एंगल हमको मिल गए जो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, नाउ नाउ वी कैन राइट, नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। आप ये देखिए, आप जहन में रख लीजिए कि ओ पी है, कीप इन माइंड ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी बी। अब यहाँ पे देखिए ओ पी ए और ओ पी बी ये दोनों क्या है, लीनियर ट्रायंगल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, नाउ एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, और लीनियर पेयर एंगल्स और एंगल्स इन लीनियर पेयर। सो देयरफॉर
अब हम क्या लिखेंगे, ओ पी और ओ पी बी कॉन्ग्रुएंट है तो ओ पी बी लिखेंगे, टू टाइम्स ओ पी बी प्लस ओ पी बी, ओ पी ए प्लस ओ पी ए भी लिख सकते हैं आप, 180 डिग्री. तब हम और आगे क्या लिख सकते हैं, टू टाइम्स ओ पी बी इज इक्वल्स टू 180, टू टाइम्स ओ पी बी इज इक्वल्स टू 180. तो ये क्या आ जाएगा, ओ पी बी इज इक्वल्स टू 180/2, 2 1s are 2, 9s are 2 0s, आई दैट इज. तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ओ पी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ओ पी बी 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एडजस्ट करके लिखता हूँ मैं, बॉक्स में एडजस्ट करके लिखता हूँ, ओ पी बी 90 डिग्री आ गया. सो देयर फॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयर फॉर सेगमेंट ओ पी, ओ पी भी 90 है, मतलब ये भी 90 हो गया, तो परपेंडिकुलर होगा, देयर फॉर ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी, यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड. तो इस तरह हमारा यहाँ पर जो दो एक्टिविटीज़ है और उस पर बेस्ड जो दो थ्योरम्स थे, एक्टिविटी वन पे जो ये बेस थ्योरम था, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक द कॉर्ड, और सेकेंड एक्टिविटी और उसका जो रिलेटेड थ्योरम, द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ये कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय.